स्टूडेंट्स वेलकम टू मॉड्यूल 41 ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स पिछले कुछ मॉड्यूल्स में हमने एसक्वल के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है जो आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या होते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो क्या हैं देन वी टॉक्ड अबाउट अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ऑल्सो नेक्स्ट कपल ऑफ जो मॉड्यूल्स है हमारे इसमें हम नो एस क्यू एल नो डज नॉट मीन इन लिटरल सेंस नो एस क्यू एल मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बल्कि इसका मतलब है कि नॉट ओनली एस क्यू एल जो डेटा है इसको टेबल और रोज़ की बजाय कुछ और फॉर्मेट्स में भी उसको हम स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको फर्दर एनालिसिस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली हमारा जो कुछ फोकस है अब इन चीज़ों पे होगा और इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी सी एवोल्यूशन है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो जो नो एस आया कहाँ से है जो एस की हिस्ट्री है दैट इज़ अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स इसी तरह या शायद इससे भी ज़्यादा हो इसी तरह नो एस की जो हिस्ट्री है दैट इज़ मे अगेन टेन फिफ्टीन ईयर्स और ये किस तरह से ये चीज़ें मार्केट में आई किस तरह से ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं एंड हाउ दे आर रिलेटेड और इम्पेक्टिंग योर लाइफ योर वर्क एज ए डेटा साइंटिस्ट जस्ट इमेजन के आप जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं या अगर आप कोई एक बहुत बड़ी वेबसाइट है लेट्स स्टिक टू सोशल मीडिया अब अगर मैं फ़ेसबुक की बात करूँ तो दुनिया में इस वक्त फेसबुक पे करोड़ों लोग हैं जो उसके अकाउंट होल्डर हैं फेसबुक के राइट और बिकॉज अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये नो एस्क्यूल इन चीज़ों की एवोल्यूशन को समझने के लिए इस वक्त हम दुनिया इन ट्रू सेंस बहुत साल पहले से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ग्लोबल विलेज ग्लोबल विलेज ग्लोबल विलेज लेकिन अब हम वाकई एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं अब इमेजिन कीजिए कि लोग अगर हम लेट स्टिक टू द फेसबुक एग्जांपल फेसबुक जो है स्टार्टेड समवेयर इन यूनिवर्सिटी इन अमेरिका और फिर ये कैसे इस वक्त जो गबन कोई डेढ़ दो अरब के करीब लोग हैं पूरी दुनिया में जो इसको यूज़ करते हैं फेसबुक को यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट नंबर्स लेकिन ये डेफिनेटली इससे कम नहीं होंगे क्योंकि लोगों के पास अगर मेरे पास फेसबुक भी है लिंकडिन भी है इंस्टाग्राम भी है और भी कोई दो चार पाँच अकाउंट हैं मेरे पास तो यू कैन इमेजन के इतने लोग लाजमी हैं जो फेसबुक एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया फॉर द जनरल पब्लिक प्रोफेशनली लोग लिंकड इन भी यूज़ करते हैं ट्विटर भी यूज़ करते हैं बट अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो फेसबुक देन आई थिंक इंस्टाग्राम दिस टू आर मोस्ट पॉपुलर और तकरीबन हर लोग बंदा जो है ना जो भी सोशल मीडिया पे है वो इनको यूज करता है अब कमिंग बैक टू ओवर सिनेरियो अब वो लाखों लोग एक एक मिनट पे दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नंबर अब ये कि कितने हजार लोग एक सेकेंड में फेसबुक पे लाइक करते हैं कोई कमेंट पास करते हैं या किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कितने लोग प्लीज डू दिस रिसर्च आई डोंट रिमेंबर दैट नंबर ऑफ द कफ बट वो नंबर आपके पास आएगा तो आप हैरान होंगे कोई कितने लोग हैं पूरी दुनिया में लाखों लोग इन अ सेकेंड इन अ मिनट इन अ डे कितने लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं और वो उसके अंदर फिर जो डिफरेंट तरह की डेटा एंट्री है वो करते हैं तो जब आपने इस तरह का काम करना है तो आपके पास आप मीन एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस डेटा को पहले कलेक्ट करें फिर उसको कॉलम में रखें रो में रखें बिकॉज इट टेक सम टाइम और जो ये टाइम लगता है इसमें हो सकता है कुछ डाटा आप लूज़ भी कर जाए राइट right? तो बेसिकली फिर ये होता है कि इस तरह के जो डाटाज जो डाटा बेस आए हैं मार्केट में हमने आ, वो फिर जो नो एसक्यूएलर दे केम इनटू पिक्चर जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वामेंट है और वो आपके पास कोई तरीक़ा नहीं कि बस आप ये चाहते हैं कि मेरे पास डाटा आता जाए मैं उसको डंप करता जाऊं डंप करता जाऊं डंप करता जाऊं बट एट द सेम टाइम जैसे ही कोई आपने किसी को लाइक किया है वो आप ये जो फेसबुक का जो सिस्टम है जहां पे आप एज ए यूज़र या जो आपका फ्रेंड है जो आपका सोशल सर्कल है उसमें सबको वो चीज़ उसका इम्पैक्ट या वो जो चेंज आई है वो नज़र आती है राइट तो ये वो सिचुएशन थी जिसको हैंडल करने के लिए क्योंकि okay. और ये एक दिन में तो नहीं हुआ ऑब्वियसली ये जैसे जैसे चीज़ें आपकी फैलती गईं उन्होंने इसके अंदर इनको वो चेंज करते रहे और वो फेसबुक इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जिन्होंने नो एस्क्यूल डाटा बेसिस काम किया और उसको उन्होंने रियल अपना जो फेसबुक के जो अपना जो एप्लीकेशनज़ हैं उनमें उसको यूज़ किया एंड दे आर डूइंग इट फॉर नो वेरी लॉन्ग टाइम इसमें ये है कि जैसे हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है तो वो फिर आप उसको जो है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो स्केल आउट हुए उन्होंने और सर्वर ऐड कर लिए स्केल आउट हुए उन्होंने और सर्वर ऐड कर लिए इट मीन दैट कि ये जो जो नो no एस है ये इंतहा स्केलेबल है इसका जो कम्पेरिज़न है वो हम थोड़ा सा करेंगे एस और नो एस का बट दिस इज हो इट वर्कस अब जो नो एस क्यू एल डाटा हैं जैसे मैंने ये बताया कि दे आर नॉट रोज़ एंड कॉलम्स और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स या डाटा डिक्शनरी उस तरह से नहीं बनती इसके एक अपना स्टाइल है एक डिफरेंट तरीका है जो कि नीड थी इनकी ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की या डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम की उसको मीट करने के लिए ये जो है वो डिवेलप किए गए इसके अंदर अब डॉक्यूमेंट बेस सिस्टम्स हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड सिस्टम है आपका बेसिकली होता है इसमें यह कि अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है तो वो उसके अंदर डाटा बस आपका स्टोर हो रहा है नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग लेकिन हमें ये लगता है मे बी बाज़ाहर के ये अंस्ट्रक्चर है बट उसकी जो लैंग्वेज है जो चीज़ उसको कंट्रोल करे वो इट नोज़ कि ये क्या है मैंने इसको कैसे करना है वो उसको किस तरह से हैंडल करता है आपकी जो नेचुरल एन एल पी जिसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो चाहे फिर आपका टेक्स्ट बेस जो एनालिसिस होता है ये एक एक जो एरिया है ना एवरी थिंग सेपरेट सब्जेक्ट हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे आफ्टर सम टाइम अबाउट सोशल नेटवर्क एनालिसिस और वो सारी चीज़ें तो उसमें यू विल अंडरस्टैंड बिट मोर अबाउट ये जो हमारे नॉट ओनली एस क्यू एल डेटा बेस हैं की वैल्यूज़ हैं फिर जो आपके इसके अंदर जो है ना ग्राफ बेस्ड है ग्राफ बेसिकली क्या है कि वो आपका जैसे फ़र्ज करे स्टार है ना कि अगर पाँच लोगों का एक सोशल नेटवर्क है या एक बंदे की पाँच डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं तो वो उनको उसी तरह इन रैंडम ऑर्डर वो स्टोर कर लेता अगर फ़र्ज़ करें सब्जेक्ट दरम्या में है वो एक ह्यूमन बीइंग है या एक स्टूडेंट है तो उसकी एजुकेशन इज़ ऑन ऑनली वन कॉर्नर उसकी दूसरी चीज़ उसके जो फ्रेंड्स का सर्कल है दूसरी जगह पे तीसरी जगह पर इस तरह के जो उसकी एजुकेशन है उसके इंटरेस्ट हैं वो सारी चीज़ें उसको वो डिफरेंट तरीके से वो अपना सेव करता है और इसी तरह जो फिर ये होता है कि जैसे मोंगो डी वगैरह या कुछ और है आपका कसेंडर है वो ये करते हैं कि एक ही कॉलम होता है और ये टेलीकॉम में कई जगह पे बहुत ज़्यादा ये यूज़र है कि एक कॉलम है उसके अंदर बस वो डाटा फेंक ही जा रहा है फेंक ही जा रहा है इट इज़ नॉट डूंग एनीथिंग एल्स लेकिन वो डाटा बस उसके अंदर जा रहा है और वो वहाँ पे सेव हो रहा है एंड देन इट इज़ यूज फॉर यू नो लेटर ऑन फॉर समथिंग डिफरेंट फॉर अ प्रैक्टिकल परपज़ ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया बेसिकली जो नॉट ओनली एस है इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि चार तरह के आपके जो हैं इसके अंदर डेटाबेस बेस यूज होते हैं और इवन इफ दे आर नॉट स्ट्रक्चर स्टिल विद इन ईच आई री आई टी रेट के विद इन ईच देर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड डेटा वो उसका एक छोटा सा डेटाबेस बेस हर एक ने अपने अंदर बनाया हुआ है वो तो उसके अंदर डेटा कितनी देर के लिए रखते हैं उसकी रिटेंशन पॉलिसी क्या उनका लॉजिक क्या अ डिफरेंट स्टोरी बट एवरी नो एस क्यू एल हैल विद इन दिस थैंक यू